शराब घोटाले में जेल में बंद बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। 2 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका। 2016 की शिक्षक भर्ती घोटाले पर दिया फैसला, टीचर भर्ती को किया रद्द। कोर्ट ने सीबीआई को जांच जारी रखने का दिया आदेश। 23,000 टीचर्स की जाएगी नौकरी। कोर्ट ने 6 हफ्ते के लिए सैलरी वापस करने का भी दिया आदेश। धारवाड़ के हुबली में बीजेपी के बंद का असर। मार्केट में बंद रही दुकानें। नेहा मर्डर के विरोध में बीजेपी ने बुलाया कर्नाटक बंद। कर्नाटक के हुबली में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। नेहा मर्डर केस में किया प्रदर्शन। कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जलाए टायर की जमकर नारेबाजी। नेहा मर्डर पर जताया विरोध। कर्नाटक के धारवाड़ में मुस्लिम संगठन ने वर्कर्स को प्रदर्शन किया। नेहा मर्डर के विरोध में लहराए तख्तियां। अपने तरीके से निपटेगी कर्नाटक सरकार, वो जो चाहते हैं करने दीजिए। बीजेपी की हुबली हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग पर बोले डीके शिवकुमार। नेहा के परिवार से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नेहा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद हैं नेहा के पिता निरंजन। दिल्ली की मंत्री आतिशी का ईडी तिहाड़ प्रशासन पर आरोप। कोर्ट को गुमराह कर रहे ईडी तिहाड़ प्रशासन। केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देने की साजिश। दिल्ली की मंत्री आतिशी का आरोप। कोर्ट में एम्स के डॉक्टर्स की गलत रिपोर्ट दी गई। तिहाड़ प्रशासन ने एम्स में किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय का बयान। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों में आक्रोश। गोपाल राय ने निशाना साधते हुए कहा, गिरफ्तारी के बाद जेल में जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहा, इसका जवाब लोग अपने वोट की ताकत से 25 मई को देंगे। सियाचिन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बेस कैंप में वार मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सियाचिन में जवानों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 15,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर तैनात जवानों ने की मुलाकात। राजनाथ सिंह ने सियाचिन में जवानों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। रक्षा मंत्री ने जवानों के साथ लगाए भारत माता की जय के नारे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 9 जगहों पर एनआईए का छापा। आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में छापेमारी। जम्मू कश्मीर के गैंगरू में भूस्खलन। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर 14 घंटे के बाद भी आग पर काबू नहीं। इलाके में छाया धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां आग बुझाने में लगी। गाजीपुर लैंडफिल आग मामले में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट। 48 घंटे का दिया समय। दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का किया दौरा। कहा, हम जल्द ही आग पर काबू पाएंगे। आग पर बीजेपी की राजनीति निंदनीय। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा। आग लगने की स्थिति का लिया जायजा। कहा, आम आदमी पार्टी के शासन में खड़ा हुआ कूड़े का एक और पहाड़। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग पर बोले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। एमसीडी के साथ अधिकारी कर रहे काम। फायर ब्रिगेड जल्द ही आग पर काबू पाए। दिल्ली एमसीडी में नेता विपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह बोले, बीजेपी के समय गाजीपुर लैंडफिल साइट पर 25 मशीनें कर रही थी काम। आम आदमी पार्टी के राज में आधी से ज्यादा मशीनें हुई बंद। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल में लगी आग को लेकर केजरीवाल सरकार पर भड़के बीजेपी के आरपी सिंह। कहा, उन्हें दिल्ली की परवाह नहीं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करते हैं झूठे वादे। सलमान खान के घर बाहर फायरिंग में इस्तेमाल गन की तलाश में सूरत पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात के बाद तापी नदी में बंदूक फेंकने की बात कही थी। पुणे के रविवर पेट इलाके की एक बिल्डिंग में लगी आग। ग्राउंड फ्लोर पर मैदान में दुकान में फैली आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बड़ा सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। 4 लोगों की मौके पर मौत। 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शादी समारोह से लौट रहे थे लोग। यूपी के इटावा में नई सब्जी मंडी में लगी भीषण आग। 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। व्यापारियों को हुआ लाखों का नुकसान। नोएडा के सेक्टर 50 में एक पार्क में लगी आग। आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नवी मुंबई के बेलापुर में सेक्टर 8 में लगी आग। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मध्य प्रदेश में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। रेप के आरोपी के घर को ध्वस्त किया गया। झारखंड के चतरा में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया अरेस्ट। करीब 1,40,00,000 कीमत की 28 किलो अफीम बरामद। इटावा में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। 2 गिरफ्तार। 18 अवैध असले और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद। नोएडा के सेक्टर 24 थाना इलाके में 2 अवैध हथियार तस्कर गिरफ्तार। 15 अवैध हथियारों समेत चोरी की 1 स्कूटी और 1 बाइक बरामद। केरल के बर्ड फ्लू का प्रकोप। अलापुजा जिले में 2 जगहों पर बर्ड फ्लू के केस मिले। अभिनेता रणवीर सिंह ने FIR दर्ज कराई। AI जनरेटेड डीप फेक वीडियो के मामले में दर्ज कराया केस। यूपी के हापुड़ में बारिश की किसानों पर मार। गेहूं की फसल को पहुंचा काफी नुकसान। जालौन में एक सिपाही की पत्नी बच्चे की मौत का मामला। सिपाही को छुट्टी ना मिलने पर जांच के आदेश। सिपाही को 30 दिन की छुट्टी दी गई। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी की मोतीबाग के एक स्कूल में प्लांटेशन ड्राइव। वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर सरकारी स्कूल में लगाए पेड़। अयोध्या में G20 को कोऑर्डिनेटर और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला
हनुमानगढ़ी मंदिर में किए दर्शन। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय बोले, राम मंदिर में हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोग कर रहे हैं दर्शन, अभी तक 1.5 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। झारखंड के मुरहू में सरहुल महोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, लोगों को सरहुल महोत्सव की दी बधाई। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल कच्छ के आशापुरा मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर मां आशापुरा का लिया आशीर्वाद। त्रिची में चिथिराई कार उत्सव में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त, रॉकफोर्ट श्री थायुन मां स्वामी मंदिर में रथ यात्रा के रथों पर खींचा। मदुरई में भी चिथिराई कार उत्सव की धूम, मीनाक्षी अम्मन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, भगवान सुंदरेश्वर और देवी मीनाक्षी अम्मन की रथ यात्रा में लिया हिस्सा। भारत के गुकेश डी ने यूएस में चेस FIDE कैंडिडेट्स जीता, खिताब जीतने के लिए विश्व चैंपियन डिंग लिरेन को देंगे चुनौती। FIDE कैंडिडेट जीतने पर बोले गुकेश डी, ये जीत बड़ी उपलब्धि, भारत में शतरंज फल फूल रहा है। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले 17 साल के डी गुकेश से मिले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, खिताब जीतने पर दी बधाई। अमरनाथ यात्रा रूट पर बर्फ हटाने में जुटा BRO, काली माता स्पॉट पर रास्ता साफ करने में लगे कर्मचारी।